पीएम मोदी फ्रांस पेरिस खाते पहुंचा। सांजे 4 वाग्यानी आसपास वडाप्रधान प्लेन पेरिस एरपोर्ट पर लैंड थयु। फ्रांस वडाप्रधान एलिजाबेथ बर्न पीएम मोदी स्वागत करने एरपोर्ट आया था। एरपोर्ट पर भारतीय राष्ट्रगान की धून साथ पीएम मोदी स्वागत थयु। बिहार की राजधानी पटना में भाजपा विरोध प्रदर्शन दरमियान पुलिस ने लाठीचार्ज करो हतो। लाठीचार्ज में अनेक लोग घायल थया हता। जारे लाठीचार्ज में भाजपा एक कार्यकर्ता नु मौत थयु छे। गुरुवार भाजप कार्यकर्ताओं नेताओं नीतीश सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन साथ रेली काढ़ी रहा था। देखावकारों ने विरोध स्थले थी हटावा विधानसभा घेराव करता अटकावा पुलिस पानी की तोप और टीयरगेस सेल नो उपयोग कर्यो हतो। बिहार में शिक्षकों ने निमणूक मुद्दे बीजेपी कार्यकर्ताओं में बिहार सरकार विरुद्ध विधानसभा मार्च काढ़ी रहा था। आ कार्यक्रम में बिहार भाजपा घना मोटा नेताओं भाग लीधो हतो। भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं विधानसभा घेराव करवा जई रहा था। दरमियान पुलिस लाठीचार्ज कर्यो हतो। इसरो आंध्र प्रदेश हरिश्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर थी 14 जुलाई चंद्रयान 3 लॉन्च करवा जई रह्यु छे। चंद्रयान 3 मिशन हेठ रोबोटिक साधनों 24 अथवा 25 ऑगस्ट रोज चंद्रना भाग पर उतरशे। ज्यां अत्यार सुधी कोईपण देशनुं मिशन पहोंच्युं नथी। आ कारण समग्र विश्वनी नजर भारतना आ मिशन पर छे। चंद्रयान 3 नुं लेंडर मजबूत पैडा साथे 4 गणा मोटा विस्तार पर उतरशे। चंद्रयान 3 जीएसएलवी MK3 रॉकेट साथे लॉन्च करवामां आवशे। चंद्रयान 3 ना महत्व विषे बात करिए तो नासा चंद्रना दक्षिण ध्रुव पर मनुष्य ने उतारशे। चंद्रयान 3 ना कारणे दक्षिण ध्रुव विषे नो डेटा प्राप्त थशे। अंतरिक्ष रेस में भारत ना जोखम ने मजबूत करशे। चंद्रयान 3 मानव जिज्ञासा नु प्रतीक बनशे। चंद्रयान ना काउंटडाउन नी बात करिए तो चंद्रयान 3 शुक्रवार 2:35 लॉन्च थशे। 24-25 ऑगस्ट ना रोज चंद्र पर उतरशे। 14 दिवस रोवर लैंडर चार तरफ 360 डिग्री फरशे। चंद्रनी सपाटी पर ना रोवर ना पैडा ने निशानी लैंडर मोकलशे। भारत चंद्र पर राष्ट्र ध्वज मोकलनारो चौथो देश हशे। जारे चंद्रना दक्षिण ध्रुव नजीक पहुंचनारो पहलो देश बनशे। चंद्रयान 3 नी खासियत नी वात करिए तो तेनी लंबाई 43.5 m हशे। चंद्रयान 3 नु वजन 6.4 लाख kg हशे। 41 दिवस में चंद्र पर पहुंचे। चंद्रयान 3 1000 थी ओछी सेकंड में पृथ्वी की कक्षा में हशे। भारत ना चंद्रयान 3 नु लॉन्चिंग 14 जुलाई ना रोज करवामां आवी शके छे। आ मिशन हेठळ लैंडर विक्रम ने 23 अने 24 ऑगस्ट नी आसपास लैंड करवामां आवी शके छे। 12 जुलाई ना रोज लॉन्चिंग माटे रिहर्सल नु करवामां आवशे। श्रीहरिकोटा ना सतीश धवन स्पेस सेंटर खाते मिशन नी तैयारी नी समीक्षा करवामां आवी हती। इसरोए पण लॉन्चिंग माटे नी मंजूरी आपी दीधी छे। चंद्रयान 3 ना प्रस्तावित प्रक्षेपण साथे भारत चंद्र तरफ तेनो त्रीजो पगलु भरशे। चंद्रयान 3 नी लॉन्चिंग में सफलता मळशे तो भारत विश्वनी चौथी अवकाश महासत्ता बनशे। अत्यार सुधी मात्र अमेरिका रशिया अने चीन ने चंद्र पर पोताने स्पेसक्राफ्ट ने सॉफ्ट लैंड करवामां सफलता मळी छे। चंद्रयान 3 लॉन्च इज हैपनिंग टुमारो 2:35 PM our very strong rocket, big rocket LVM3 in its fourth continuous mission M4 is going to launch Chandrayaan 3. So Chandrayaan 3 will start its journey after the launch tomorrow. So it will reach around Earth, then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right, then it will reach and land on the Moon on August 23rd onwards any day. આવતીકાલે ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકો ચંદ્રયાન 3 ને લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેના પર સમગ્ર દેશ દુનિયાની નજર છે। ત્યારે ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકોની એક ટીમ ચંદ્રયાન 3 ના લોન્ચિંગ પહેલા આંધ્રપ્રદેશ સ્થિત તિરુપતિ વેંકટ ચલપતિ મંદિરે પહોંચી હતી। તેઓ ચંદ્રયાન 3 ના લઘુ મોડલ સાથે મંદિરે પહોંચ્યા અને પૂજા અર્ચના કરી હતી। આવતીકાલે બપોરે 2:35 સતીશ ધવન અંતરિક્ષ કેન્દ્રથી શ્રીહરિકોટાથી ચંદ્રયાન 3 નું લોન્ચિંગ થશે। आगामी समय में सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवा जज मळशे। 5 जुलाई ना रोज कॉलेजियमे बन्ने जजोना नामनी भलामण केन्द्र ने मोकली हती। जस्टिस उज्ज्वल भुइया हाल में तेलंगाणा हाईकोर्ट ना चीफ जस्टिस अने केरल हाईकोर्ट ना जस्टिस भाटे छे।
મહત્વનું છે કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં વધુ બે ન્યાયાધીશોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. કોલેજિયમે જસ્ટિસ ઉજ્જવલ ભુઈયા અને જસ્ટિસ એસ વેંકટ નારાયણ ભાટીની બઢતી અંગે કેન્દ્રને ભલામણ મોકલી હતી. કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે ટ્વિટર પર પોસ્ટ કરીને બંને જજોની નિમણૂકની જાહેરાત કરી છે. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विरोध पक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी बंगाल सरकार पर आकरा प्रहार करता जणाव्यु छे कि प्रदेश में पंचायत चूंटणी दरमियान हिंसा थई हती, परंतु उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल कोर्पोरेशन ने चूंटणी में आ प्रकार की कोई हिंसा थई नथी. बंगाल में शुं थयुं ए लोको जाणे छे. मोटो दावो करता तेमणे जणाव्यु छे कि हिंसा पीड़ित लोको माटे सरकार द्वारा मददनी जे जाहेरात करवामां आवी छे ए पण तृणमूल कांग्रेस पार्टी साथे संकळायेला लोकोने ज मळशे. सामान्य लोको अने अन्य पार्टीना लोकोने सरकार तरफथी जाहेर करवामां आवेली सहाय नहीं मळे. बंगाळमां लोकशाही खतरामां छे. अपने आदमी को देने का लिए ये डिक्लेयर किया है, इसलिए वो 19 बताया. टीएमसी का लोग को वो कॉम्पेंसेशन देगा, टेम्पोररी नौकरी देगा, लेकिन सब लोग को नहीं मिलेगा. ये बंगाल में फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल सिस्टम नहीं चल रहा है. फॉर द पार्टी बाय द पार्टी ऑफ द पार्टी सिस्टम चल रहा है. सब में पार्टीजान सिस्टम, इसको उखाड़ फेंकने का काम जनता ही करेगा. लोकतंत्र खतरा में है. जनता जनार्दनी ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा. ઉદ્ધવ ઠાકરે સમૂહની શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉતે દાવો કર્યો હતો કે કેબિનેટનું વિસ્તરણ થશે તેની શક્યતા ઓછી છે. અજિત પવાર સાથે જે 9 મંત્રીઓએ શપથ લીધા છે તેમને મનપસંદ પોર્ટફોલિયો મળ્યો નથી. તેમનું હાઈકમાન્ડ દિલ્હીમાં છે અને માટે આ નેતાઓને ત્યાં વારંવાર જવું પડે છે. આ મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં સામેલ લોકોની મજબૂરી છે. જ્યારે પણ કેબિનેટનું વિસ્તરણ થશે ત્યારે શિંદે સમૂહ અને અજિત પવાર સમૂહમાં ભારે મતભેદ થશે. કેબિનેટ કે એક્સપેન્શન કરના યાને नए सिरे से एक सिरदर्द को बुलाना जैसा है, क्योंकि जब एक्सपांशन होगा तो दोनों गुटों में बहुत बड़ा संतोष होगा. ये सरकार अजीत दादा का गुट, 9 लोगों ने शपथ लिया, 10 दिन हो गए, अब तक विभाग का बंटवारा नहीं हुआ. इसका मतलब आप समझ लीजिए पार्टी में और उनके ग्रुप में कितना संतोष है और हमेशा रहेगा. કેન્દ્ર સરકાર અને આરબીઆઈ તરફથી કરન્સી અંગે ઘણીવાર મોટા નિર્ણય કરવામાં આવ્યા છે. અગાઉ વર્ષ 2016માં નોટબંધી ત્યારબાદ માર્કેટમાં 2000 રૂપિયાની નવી નોટો બહાર પાડવામાં આવી અને હવે ફરી એકવાર 2000 રૂપિયાની નોટોને ચલણમાંથી બહાર કાઢવાનો નિર્ણય કર્યો છે. રૂપિયા 2000ની નોટોની નોટ જમા કરાવવા માટે 30 સપ્ટેમ્બર સુધીનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. આ દરમિયાન હવે 1000 અને 500ની નોટ અંગે મોટા અહેવાલ સામે આવ્યા છે. આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંત દાસે રૂપિયા 1000ની નોટ અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. જોકે આરબીઆઈ ગવર્નરે જણાવ્યું છે કે હાલ સરકારનું 1000 રૂપિયાની નવી નોટો બહાર પાડવાનું કોઈ આયોજન નથી. 30 સપ્ટેમ્બર બાદ 2000 રૂપિયાની નોટો સર્ક્યુલેશનમાંથી બહાર થશે. તે બાદ અન્ય કરન્સીઓ બહાર પાડવા અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે. રાજસ્થાનના અલવરમાં એક વિચિત્ર કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં એક તરુણે અતિશય ગેમ રમવાના કારણે માનસિક સંતુલન ગુમાવ્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે બાળકને અગાઉના જીવન વિશે કંઈ પણ યાદ નથી. સ્પેશિયલ ટીચર ભાવાની શર્માએ આ વિશે વાત કરતા જણાવ્યું છે કે તરુણ ફ્રી ફાયર સહિત અન્ય ઓનલાઈન ગેમ રમતો હતો અને તેમાં તેને હાર મળી હતી. વિદ્યાર્થીના શિક્ષકે જણાવ્યું છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ આ ગેમમાં હારે છે તો તેઓ સહન કરી શકતા નથી અને ઘણીવાર આપઘાત કે માનસિક સંતુલન ગુમાવી બેસે છે. શિક્ષકે આ વિશે વાત કરતા જણાવ્યું છે કે તેમણે તરુણ માટે ઘણી ગેમ તૈયાર કરી છે જેમાં તેને જીત થાય અને તેના મનમાંથી હારનો ડર નીકળે. हार हासिल की है और ये गेम ऐसा है कि इसके अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की हार होती है तो हार बर्दाश्त नहीं होती है. वो या तो सुसाइड करता है या फिर वो अपने शारीरिक मानसिक संतुलन खो बैठता है. इस बच्चे ने वही किया है, अपना पूरा शारीरिक मानसिक संतुलन खो दिया है और बच्चा अब उस अंधेरी जिंदगी के अंदर चला गया है कि अब इस बच्चे को पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, कुछ नहीं बता पा रहा है. બેડમિન્ટન ખેલાડી સાયના નહેવાલે અમરનાથ યાત્રામાં સામેલ થયા હતા અને બાબા બર્ફાનીના દર્શન કર્યા હતા. આ વિશે વાત કરતા નહેવાલે જણાવ્યું હતું
कि माता साथ अमरनाथ जी दर्शन कर्या माटे हूँ अमरनाथ बोर्ड और सैनिकों पण आभार व्यक्त करू छू। यात्रा दरमियान सैनिकों श्रद्धालुओं की घनी मदद करे छे। आ यात्रा थी मने घणो संतोष थयो छे। अमरनाथ यात्रा थी मन ने शांति मळे छे। करते रहते हैं, दर्शन होने चाहिए हमेशा अमरनाथ जी के। और आज मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मुझे एक्चुअल में दर्शन हो गए हैं मम्मी के साथ। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अमरनाथ श्राइन बोर्ड और ऑब्वियसली जो मिलिट्री वाले इतने सारे हमारी मदद करते हैं वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छे से हो गए एंड वेरी वेरी सेटिस्फाइड। ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिलती है और एक स्ट्रेंथ मिलती है, अच्छा लगता है, माइंड बहुत पीस में रहता है, तो बहुत अच्छी तरह कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, अच्छा लगता है। माफिया आतिक अहमद और तेना भाई अशरफ अहमद हत्या केस की तपास कर रहेली प्रयागराज पुलिस की एसआईटी आज चार्जशीट दाखिल करशे। आ चार्जशीट प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में दाखिल करवामां आवशे। सूत्रों मानिए तो घटना स्थले थी धरपकड़ करायेला त्रण शूटरो सामे चार्जशीट दाखिल करवामां आवशे। तपास कर रहेली एसआईटी शूटर्स लवकेश तिवारी, अरुण मौर्य और सन्नी सिंह विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर सके। हत्या केसना त्रणे आरोपी शूटर हाल प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद है। 15 एप्रिल रात्र प्रयागराज की कॉल्विन हॉस्पिटल में आरोपीओ माफिया भाईओ ने पुलिस कस्टडी में गोली मारी दी थी। आ हत्या में तुर्की बनावट की जीगाना और गिस्तान पिस्तौल उपयोग कर। आ हत्याकांड पछी प्रयागराज पुलिस कमिश्नर द्वारा हत्या की तपास में त्रण सभ्य एसआईटी की रचना करती। माफिया ब्रदर्स की हत्या ने लेने चार्जशीट में मोटो खुलासो थी सके। जो कि सूत्रों मानिए तो तपास में कोई नवी हकीकत सामने आवी नथी। देशना केटलाक विस्तारों में 1 किलो टामेटानो भाव रूपया 200 ने पार थयो छे, त्यारे केन्द्र सरकारे दिल्ली सहित देशना केटलाक शहरना रिटेल बजार में सस्ता दरे टामेटा वेचवानो निर्णय लीधो छे। ग्राहक बाबतोना मंत्रालय जणाव्युं छे कि नेशनल एग्रीकल्चर कोओपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल कोओपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन शुक्रवार थी टामेटानो ओछा दरे वेचाण शुरू करशे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में टामेटानो सस्ता भाव में वेचाण कराशे। जे ते विस्तार में चालता भाव में 30% ओछो भाव में टामेटानो वेचाण करवामां आवशे। जो कि सरकार नो उद्देश्य लोगों ने राहत आपवानो छे। सचिन रोहित कुमार सिंह जणाव्युं हतुं कि ज्यां सुधी टामेटाना भाव घटशे नहीं त्यां सुधी नाफेड और एनसीसीएफ 30% ओछा भावे टामेटानो वेचाण चालू राखशे। टामेटानो सौथी वधु भाव पंजाबना भटिंडा में 203 रूपया हतो, ज्यारे सौथी ओछो भाव कर्नाटकना बिहार में 34 रूपया हतो। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टीए पण टामेटानो वपराश ओछो कर्यो छे। टामेटाना ऊंचा भावना कारणे सुनील शेट्टी पण चिंतामां छे। सुनील शेट्टीए जणाव्युं छे कि लोको विचारे छे जे बॉलीवुड स्टार होय तेमने कोई चीज ना भाव वधे तो कोई फरक पड़तो नथी, जो कि वास्तविकमां अलग छे। हालमां टामेटाना भाव वध्या छे, आथी तेनो वपराश घटाडी दीधो छे। पत्नी माना पण जरूरियात प्रमाणे शाकभाजी खरीदे छे अने तेओ ताजा शाकभाजी खरीदवानो आग्रह राखे छे। सुनील शेट्टी एक रेस्टोरेंटनो मालिक छे अने ते पोताना खंडाला फार्म हाउस में केटलाक शाकभाजी उगाड़े छे। चोमासानी सीजन में भारे वरसाद थवाथी शाकभाजी पाकोने नुकसान थवाथी उत्पादन पर असर थाय छे। दर वर्षे चोमासामां शाकभाजीना भावमां उछाळो आवे छे, परंतु आ वर्षे टामेटाना भावे तमाम रेकॉर्ड तोड्या छे। 1 किलोना भाव 200 થી 2500 રૂપિયાનો ઉછાળો આવ્યો છે। ઉત્તર પ્રદેશના સીએમ યોગી આદિત્યનાથે 35 કરોડ વૃક્ષારોપણ લક્ષ્ય પર પૂર્વ સીએમ અને સમાજવાદી પાર્ટીના સુપ્રીમોએ કટાક્ષ કર્યો છે। અખિલેશ યાદવે ટ્વીટ કરતા લખ્યું છે કે સાંભળ્યું છે એક દિવસમાં 35 કરોડ વૃક્ષો રોપી દીધા છે અને લાગે છે કે તે તમામ ટામેટા હશે। जो कि आ रेकॉर्ड ब्रेक वृक्षारोपण नहीं भ्रष्टारोपण है। सीएम योगी आदित्यनाथे वेबिनार माध्यम थी संबोधन दरमियान कहूं हतुं कि आ वृक्षों आ वर्षे वृक्षारोपण अभियान में 35 करोड़ वृक्षों लगावानो लक्ष्य है, जे अंतर्गत 22 जुलाई 30 करोड़ वृक्षों लगावाशे, ज्यारे 15 ऑगस्टे स्वतंत्रता दिवस पर 5 करोड़ वृक्षों लगावानो लक्ष्य है। यमुना नदीना जलस्तरमां वधारो थता दिल्हीना अनेक विस्तारोमां पाणी भराया छे। लोकोना घरोमां पण पाणी घुसी गया छे। नदीना जलस्तरमां वधाराना कारणे काश्मीरी गेट, आरटीओ, कनोट पेलेस अने पूर्वी दिल्हीना अनेक क्षेत्रोमां पाणी भराया छे। आ साथे ज चंदीग्राम, अखाड़ा, सिविल लाइन्स अने निगम बोर्ड घाट सहितना विस्तारोमां पण पाणीमां गरकाव थई गया छे। हरियाणा सरकार तरफथी हथनी कुंड बेरेजमां पाणी छोड़ाता यमुना नदीना जलस्तरमां सतत वधारो थयो छे।
पानी भरावाना कारणे राजधानी ना अनेक विस्तारों में ट्राफिक की समस्या सर्जाई हती ने केटलाक मार्गों ने बंद के डायवर्ट पण करवा पड्या हता। દિલ્હીના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂરના પાણી ફરી વળ્યા અને તેના કારણે નદી કિનારે રહેલા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા માટે વહીવટીતંત્ર અને પોલીસની ટીમ કામ કરી રહી છે। આ વિશે વાત કરતા દિલ્હીના મદદનીશ ડીસીપી સચિન ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે બચાવ અભિયાન જારી છે, લોકોએ ક્યારેય પાણીના જળસ્તરમાં આટલો વધારો જોયો નથી અને માટે જળસ્તર આટલું વધશે એ લોકો માનવા તૈયાર નથી। લોકો પોતાનો સામાન છોડવા માંગતા નથી અને માટે તેમને સામાન साथ ही सुरक्षित स्थले स्थानांतरित कराया छे। पानी काफी बढ़ गया है जैसा आप देख पा रहे हैं, तो लोग जो फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू एफर्ट्स किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम है, प्रशासन है, तो अभी हमारे साथ भी यहाँ पर 7 लोग हमने रेस्क्यू किए हैं, 4 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कन्विंस करें और उनको सेफर ग्राउंड्स की तरफ लिए जाया जा सके। मुश्किल ये है मेनली कि लोगों ने ऐसा पानी का बहाव कभी देखा नहीं है, इतना ऊपर तक जल स्तर, तो वो लोग मानने को रेडी नहीं है कि वो और पानी बढ़ेगा, इतना ऊपर तक आएगा, तो उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज इनके लिए इनका सामान ही सब कुछ होता है, तो इनको सामान के साथ इनको वहां तक लेके जाना है। हरियाणा हथनी कुंज बैरेज में जलस्तर की स्थिति विषय बात करता सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर आर एस मित्तले जणाव्युं के 12 जुलाई रोज बैरेज जलस्तर में सहज घटाड़ो थया बाद मोड़ी रात्रे फरीवार बेरेज जलस्तर में वधारो थयो हतो। बेरेज जलस्तर में कोई खास घटाड़ो थशे तेवी शक्यताओ छे। उपरवास में पड़ेला भारे वरसाद कारणे यमुना सहित अन्य नदियों जलस्तर में वधारो थयो छे। हथनी कुंज बेरेज पानी यमुना नदी में छोड़वामां आवे छे। आ स्थिति कारण दिल्ली और तेना आसपास नीचाणवाला विस्तारों में पानी भराया छे। हिमाचल की साइड से जो बारिश हो रही है वहाँ पर कोई एक जाटान बराज है, उससे पानी वो रिलीज कर रहे हैं, जो गिरी रिवर के थ्रू पानी अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ आ रहा है। और डाक पत्थर से तो जो पानी आता है वो पोंटा साहिब के थ्रू हमारे पास आता ही है। तो ये तकरीबन अभी पानी लग नहीं रहा कि इससे नीचे भी जाने की कोई पोजीशन है। सोम और पथराला का आज सुबह में 9 बजे सोम में एकदम से पानी 10,000 कुछ क्यूसिक आ गया था। जो सोम का पानी है वो अल्टीमेटली दादूपुर पॉइंट पे आ जाता है, जो पथराला डैम हम बोलते हैं, और वहाँ से हम पानी उसको सोम में ही रिलीज करते हैं डाउन में, जो अल्टीमेटली जाके रिवर यमुना में मिल जाता है डापरा से ऊपर। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે વઝીરાબાદમાં આવેલા વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી હતી। યમુના નદીના જળસ્તરમાં વધારાના કારણે રાજધાનીમાં 3 વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બંધ કરવામાં આવ્યા છે। આ વિશે વાત કરતા પ્રદેશના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું છે કે દિલ્હીમાં પહેલીવાર યમુના નદીના જળસ્તરમાં આટલો વધારો થયો છે। વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં પાણી ઘૂસી જવાના કારણે મશીન અને પંપમાં પણ પલળી ગયા હતા। આ સ્થિતિના કારણે દિલ્હીના લગભગ 25% વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીનો પુરવઠો ખોરવાઈ શકે છે। ટ્યુબવેલ પણ બંધ થઈ ગયા છે। દિલ્હીમાં આના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં 1-2 દિવસ સુધી પાણીની સમસ્યા રહી શકે છે। સીએમએ લોકોને બિનજરૂરી ઘરમાંથી બહાર ન નીકળવાની અપીલ કરી હતી અને તેની જગ્યાએ વર્ક ફ્રોમ હોમ કરવાની સલાહ આપી છે। અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં શાળા કોલેજ પણ બંધ રાખવામાં આવ્યા છે। ઇસ લેવલ કી પાણી પહોંચેગા યે કભી સોચા નહીં થા। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा।